हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th लाइव प्रोसेस लेक्चर नंबर 7 मैं आज फिर आपके सामने लेकर आ गया हूँ। ठीक है, ये हमारा क्लास 10 का लाइव प्रोसेस बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है। मैंने डिटेल में हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली डील करते हुए हम क्लास लेक्चर 7 तक पहुँच गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, पैंक्रियास के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे हालांकि आपके सिलेबस में क्या है, पैंक्रियास थोड़ा मोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि जो डायबिटीज़ होता है ना, डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत दिनों से ट्रेंड में चल रहा है। तो क्या है कि ये डायबिटीज़ जो होते हैं, मेनली पेशेंट को जो होता है डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इसी में प्रॉब्लम से होता है। या आपने नाम सुना हो, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन हार्मोन लेना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आपका सब क्लियर होगा ना, क्योंकि ये डायबिटीज़ जो पेशेंट हैं सब पैंक्रियाज में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पैंक्रियाज क्या नाम है, हेडिंग क्या है हमारा, पैंक्रियाज हेडिंग है। ठीक है, देखिए पैंक्रियाज होता क्या है, क्या होता है पैंक्रियाज, कुछ आइडिया है आपको, बताइए। देखिए क्या होता है, देखिए ये, देखिए ये स्टमक है, स्टमक के बाद देखिए क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है। ये स्टमक हो गया, ठीक है, ये इंटेस्टाइन हो गया, सी सेप जो हो जाए, सी सेप ऐसे इंटेस्टाइन हो गया। इंटेस्टाइन के कर्व में ही, जो कर्व है सी सेप कर्व है, उसी कर्व में एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, लीफ जैसा, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है ना, ऐसे इंटेस्टाइन के कर्व में पत्ती जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पैंक्रियास। क्या बोलते हैं, पैंक्रियास बोलते हैं। ये है पैंक्रियास आपका, ठीक है, यही है पैंक्रियास, यही है। ठीक है, कहाँ पे है, स्टमक और स्टमक और ड्यूडेनम जो इंटेस्टाइन पार्ट है उसी के बीच में है, सी सेप कर्व के बीच में है, क्या है, ये पैंक्रियास है। ठीक, बात समझ में आ गई, बोलिए अब देखिए क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं ना। देखिए पैंक्रियास जो क्या होता है, वो लीफ सेप होता है, लीफ पत्ती आकार का है, लीफ सेप है पैंक्रियास। ठीक, लीफ सेप ग्लैंड है, ये है ग्लैंड, ग्लैंड समझते हैं कि नहीं, जो सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है भाई, क्या एंजाइम सिक्रीट करेगा, क्या करेगा एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होता है, हर चीज़ तो प्रॉब्लम होता है, देखो बताता हूँ अभी, एंजाइम और हार्मोन कर सकता है, मैं बता रहा हूँ अभी ना, एंजाइम भी करेगा और क्या करेगा, हार्मोन, HORMONE हार्मोन एंड एंजाइम सिक्रीट करता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, लीफ सेप हो गया ग्लैंड, एंजाइम हार्मोन सिक्रीट करेगा, ठीक है, प्रेजेंट इन सी सेप कर्व ऑफ ड्यूडेनम, प्रेजेंट इन सी सेप्ड, सी सेप्ड कर्व ऑफ ड्यूडेनम, सी सेप कर्व ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, स्टमक के बाद ठीक मिलता है सी सेप, ये ड्यूडेनम है, ये जो है ना ये ड्यूडेनम है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, सी सेप कर्व ऑफ ड्यूडेनम में आपको मिलेगा क्या, पैंक्रियास। ठीक है, देखिए एक नाम बहुत फेमस है पैंक्रियास के बारे में, पैंक्रियास को बोला जाता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है पैंक्रियास, हेट्रोमिस होता है डिफरेंट, ठीक है ना, ग्लैंड दो तरह के ग्लैंड इसमें होते हैं। अच्छा आप जानते हैं ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन, EXOCRIN, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, दो तरह के ग्लैंड होते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पैंक्रियास दो तरह के ग्लैंड होते हैं अलग अलग, लेकिन पैंक्रियास में दोनों तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी इंडोक्राइन ग्लैंड भी, इसीलिए पैंक्रियास क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड नाम दिया जाता है, या फिर कंपाउंड ग्लैंड भी नाम बोलते हैं। ठीक है, दो तरह ग्लैंड पैंक्रियास में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो 99% होता है, कितना होता है 99%, ओनली 1% जो होता है वो क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है।
बात समझ में आ रही है? इग्जोक्राइन ग्लैंड जो होता है कितना होता है, 99% होता है, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो 1% होता है। ठीक है, तो इग्जोक्राइन ग्लैंड करता क्या है, वो जूस सिक्रीट करता है। कौन सा? पीने वाला जूस, नारियल का जूस? नहीं, वो क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज का ग्लैंड है, तो क्या करेगा, पैंक्रियाटिक जूस निकालेगा। ये करेगा क्या पैंक्रियाटिक जूस भाई, क्या करेगा बताइए? पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस, उसी को एंजाइम बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, पैंक्रियाटिक जूस को क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है जो 1% है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो 1% है, ठीक है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड 1% है, उसी 1% इंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं आई आइस लेट्स ऑफ, आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, लैंगर लैंगर हैंस, HANS, लैंगर हैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। क्यों बोलते हैं, देखिए ये मान लीजिए आपने देखा अभी, ये पेंक्रियाज है, ऐसे लीफ शेप है, ठीक है, ऐसे पेंक्रियाज है। तो क्या होता है ना, ये पूरा जो है, पूरा पार्ट क्या है, वो एग्जोक्राइन ग्लैंड है पूरा पार्ट जो दिख रहा है आपको, लेकिन लेकिन सेंटर में थोड़ा सा ऐसे मिलता है इंडोक्राइन ग्लैंड, उसी को क्या बोलते हैं, देखिए आइलैंड क्या होता है, आई में तो आइलैंड से नदी होता है ना, ओशियन, बीच में आइलैंड होता है, टीला आइलैंड। इस तरह क्या होता है, पूरा एक जो एग्जोक्राइन पार्ट है, बीच में क्या है, आई आइलैंड दिख रहा है, इसीलिए बोलते हैं क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। लैंगर हैंस क्या है भाई, साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने दिया थे, बोल दिया आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एग्जोक्राइन पार्ट क्या होगा, एग्जोक्राइन पार्ट क्या होगा, वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा जिसमें एंजाइम होंगे डिफरेंट टाइप्स के, और जो इंडो जो 99% होगा, और जो इंडोक्राइन पार्ट होगा वो उसमें 1% होते हैं, उसको आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंस कहते हैं, ठीक है, आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंस कहते हैं। ठीक है, देखिए अब जो आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंस होता है, आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, जो आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस होता है वो, उसमें कई तरह के सेल मिलते हैं आपको, नाम सुना होगा शायद ने, एक होता है अल्फा सेल, ठीक है, एक होता है बीटा सेल, और एक होता है गामा, नहीं डेल्टा सेल, वैसा फ्लो फ्लो में बोल देते हो, अल्फा सेल बीटा सेल गामा सेल, नहीं अल्फा सेल बीटा सेल और डेल्टा सेल। देखिए अल्फा सेल जो होता है वो क्या करता है, अल्फा क्या करता है बताओ, बताओ बताओ बताओ, ग्लूकागोन सिक्रीट करता है, क्या करता है, ग्लूकागोन सिक्रीट करता है। बीटा सेल जो होता है वो क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। जैसे तुम वेट कर रहे थे, यही है इंसुलिन, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करता है। कौन करता है, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक है ना। जो डेल्टा सेल है वो क्या करता है, सोमैटो स्टैटिन सिक्रीट करता है, सोमैटो स्टैटिन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागोन, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन, ठीक है ना, डेल्टा सेल सिक्रीट सोमैटो स्टैटिन। अब देखिए क्या करता है, सोमैटो जो सोमैटो स्टैटिन होता है ना, इसका दोनों का इनहिबिट करने का काम करता है, अल्फा बीटा सेल, अल्फा बीटा सेल का सिक्रेशन डेट इज इंसुलिन, अल्फा सेल का सिक्रेशन ग्लूकागोन, दोनों का सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, कौन, सोमैटो स्टैटिन डेट इज सिक्रेशन ऑफ डेल्टा सेल। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ें, बोलो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे ग्लूकागोन, ग्लूकागोन और इंसुलिन का फंक्शन देखेंगे, करता क्या है, हमें मेनली ग्लूकागोन और इंसुलिन का क्या करेंगे, फंक्शन देखेंगे, ग्लूकागोन इंसुलिन का फंक्शन देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या करता है, ग्लूकागोन जो होता है, ग्लूकागोन जो होता है वो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को, मान लो क्या कर रहे हो कि आप क्लास में बैठे हो, पढ़ रहे हो 2-3 घंटा से, खाना खा ही नहीं रहे हो, ठीक है, पढ़े जा रहे, मज़ा आ रहा है तुम्हें पढ़ने में, देखिए ऐसा कभी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो रहा तो वैसा करो बेटा, बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है, पढ़ो, खुद को काबिल बनाओ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए क्या होता है, ग्लूकागोन क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करता है, इंक्रीज कराता है,
ब्लड ग्लूकोज, मान लो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो क्या करेगा, मेंटेन करके इंक्रीज करा देगा। इसको बोलेंगे हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है ना ग्लूकागोन की हेल्प से, उसको बोलते हैं हाइपर हाइपर ग्लाइसेमिक, क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट बोलते हैं। इफेक्ट HYPER, हाइपर GLYCEMIC, हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट। जब ग्लूकोज लेवल में, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, मोर, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज इफेक्ट कंडीशन, ठीक है ना। हाइपर मतलब ज़्यादा होता है ना, बोलते हैं ना कि हाइपर क्यों हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट। अब देखिए इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल घटाता है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है ना। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करेगा, घटाएगा। सो क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। हाइपो मीन्स होता है कम, हाइपो मीन्स क्या होता है, कम, लेस लेस, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, ठीक है ना। इसी में क्या होता है, देखिए इंसुलिन जब, देखिए हमारे बीटा सेल है, बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट कर रहा है, जब भी हम ग्लूकोज लेवल खा रहे हैं, जो भी बाहर से ग्लूकोज ले रहे हैं, क्या होगा, उसको उसको मेंटेन करेंगे। अब मान लीजिए इस ऐसा कंडीशन हो जाता है कि क्या हो, इंसुलिन बॉडी में सीक्रेट नहीं हो पा रहा है डायबिटीज़ पेशेंट में। डायबिटीज़ पेशेंट होता है, क्या होता है, सीक्रेट तो होता है लेकिन उस लेवल तक सीक्रेट नहीं होता जिससे ग्लूकोज लेवल आपका मेंटेन हो पाए। उसी टाइम में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो क्या होता है, हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट हो जाता है। अब मैं इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, तब डायबिटीज़ होने की प्रॉब्लम होती है, तब से होती दिक्कत होती है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल करने का काम करता है, मेंटेन करता है, कम करता है। कौन सीक्रेट करता है, पैंक्रियाज में बीटा सेल सीक्रेट करता है, ठीक है। से एक कंडीशन ले लेते हैं, दो तीन कंडीशन, देखिए क्या आपको समझ में आएगा ये अच्छे से, देखिए देखिए समझ में आएगा। देखिए से मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सेस ग्लूकोज आपने खाया है, खूब खाया है, ठीक है ना। एक्सेस ग्लूकोज, खूब ग्लूकोज खाए हो, ग्लूकोज है, शुगर है, फिर ग्लूकोज है, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, क्या करना है ग्लूकोज का बताइए, क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे, कन्वर्ट, फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज को, हाँ ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू फैट, ठीक है ना, फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज एक्सेस ग्लूकोज बॉडी में जो होता है, जब फैट में कन्वर्ट करता है तो उसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, लाइपोजेनेसिस, ठीक है ना। जब ग्लूकोज एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में कन्वर्टेड इनटू फैट तो क्या बोलते हैं, लाइपोजेनेसिस, ठीक है। और फैट में अब किस में कन्वर्ट हो सकता है, और हो सकता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकता है, किसमें, ग्लाइकोजन में, ठीक है ना। ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है, जैसे प्लांट बॉडी में ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है, स्टार्च में। प्लांट बॉडी स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, STARCH, और एनिमल स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो उसको प्रोसेस का नाम देते हैं, उस प्रोसेस का नाम देते हैं, क्या होता है पता है, क्या होता है बताओ, ग्लाइकोजेनेसिस, क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्या करेंगे, देखिए जो सेल होता है ना, सेल क्या करेगा, ग्लूकोज अपटेक अपना स्टार्ट कर देगा, मतलब सेल जो सराउंडिंग सेल होंगे वो क्या ग्लूकोज लेना कर देगा, तो सेल अपटेक मतलब सेल ग्लूकोज लेने लगेगा, सेल अपटेक ग्लूकोज लेने लगेगा, तो क्या उसको बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। जब सेल ग्लूकोज लेने लगता है, जब ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज बढ़ गया है, तो जो सराउंडिंग सेल होंगे ब्लड सेल से क्या करेंगे, ग्लूकोज लेने लगेंगे, सेल में आने लगेगा, तो ब्लड लेवल ग्लूकोज क्या होगा, थोड़ा सा घटने लगेगा, उसको बोलते हैं, जब सेल ग्लूकोज लेता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना। आप पढ़े हो गए रेस्पिरेशन के प्लांट में, ग्लाइकोलिसिस का नाम सुना है कि नहीं आपने, बोलिए बोलिए, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। ये कंडीशन हो गया, जब ग्लूकोज एक्सेस लेवल था तो क्या किया किए। एक कंडीशन और है कि जब ग्लूकोज क्या है, कम, बहुत लो है, लो ग्लूकोज है हमारे बॉडी में, क्या है, बहुत ज़्यादा लो ग्लूकोज,
लो ग्लूकोज या फिर शुगर, तब हम क्या करेंगे जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज लो है। तो बताइए, तो हमें ग्लूकोज जब बॉडी में ब्लड लेवल, ब्लड में मेनली, ब्लड जब ब्लड में ग्लूकोज कम है तो क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, बोलिए। ठीक है ना, तो फैट जो होगा, फैट वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज बनाएगा। हाँ, फैट जो लिया था तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो जब फैट ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज बनाता है तो उसको बोलते हैं लाइपोलिसिस। क्या बोलते हैं? लाइपोलिसिस बोलते हैं। ठीक है ना, जब फैट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में तो क्या बोलते हैं? लाइपोलिसिस, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है? कम हो गया है। और क्या कर सकते हैं भाई? सेल क्या करेगा? ग्लूकोज देगा, सेल भी ग्लूकोज देगा, ठीक है कि नहीं देगा, बोलिए। और क्या कर सकता है? प्रोटीन भी बेचारा कहेगा, सब ये दो रहे तो हम भी देते हैं प्रोटीन। प्रोटीन पहले क्या करता है? अमीनो एसिड में टूटता है। किस में टूटता है? अमीनो एसिड में। ठीक है ना, अमीनो एसिड टूट के किस में जाता है? वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब प्रोटीन अमीनो एसिड में, फिर अमीनो एसिड ग्लूकोज में, उसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है ना, ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, SIS, ग्लाइकोजियोजेनेसिस। ठीक है, आप देखिए, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में गया था, ग्लाइकोजन भी क्या करेगा? ग्लूकोज देगा, ग्लाइकोजन। ठीक है ना, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइकोजिनोलिसिस। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, LYSIS। ठीक है ना, इसको बोलेंगे। देखिए, जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, ठीक है ना, बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया है तो क्या करेंगे? फैट को तोड़ के ग्लूकोज बनाएंगे ना, उस प्रोसेस को बोलेंगे लाइपोलिसिस। और सेल भी क्या करेगा? ग्लूकोज, जो भी सेल के अंदर ग्लूकोज होगा क्या करेगा? वो ब्लड को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब प्रोटीन भी क्या करता है? प्रोटीन भी अमीनो एसिड टूट के वो भी ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और क्या करते हैं कि जो ग्लाइकोजन स्टोर होगा ग्लूकोज के फॉर्म में, वो भी ब्रेक डाउन होगा, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पूरा पैनक्रियास के बारे में बात हो गई, अच्छे से बात हो गई। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम? नेक्स्ट हम क्या करें? ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं उसके बाद क्या है, शायद कुछ और ही टॉपिक है। ह्यूमन न्यूट्रिशन तो हो ही गया है पूरा लगभग, ठीक है, कुछ और टॉपिक है लग रहा है, तो उसको हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।